Never... सभी को जय हिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू कासमी जी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब जो कि एक जबरदस्त जियो एक्सपर्ट है और हाल ही में अभी वो हमारे प्यारे देश भारत से होकर गए हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे उनका इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट भारत तो वीडियो और तो और लाते रहे जय हिंद जय भारत में सिमिलैरिटी इसलिए नजर आई कि हिल स्टेशन पीछे से पहाड़ियां नजर आती हैं जिस तरीके से आपके इस्लामाबाद के पीछे पहाड़ियां हैं हमालिया हिल्स के हैं पीछे से फिर लेक जिस तरह के आपके पास रावल डैम है वहाँ भी लेक है बहुत खूबसूरत शहर देखा मैंने लोग बहुत खूबसूरत थे मैं हैरान था कि मुझे इतने लोगों ने पहचाना वहाँ पे मेरे लिए एक बहुत जज्बाती एक मरला भी ये था चंडीगढ़ वहाँ वहाँ पे आ, हाई कोर्ट भी थे हाई कोर्ट के पास एक उनकी आ, इंडिया काफी हाउस जिसको कहते हैं मैं वहां गया एक फ्रेंचाइज टाइप है को आप है उनकी Uh, मैं मैंने सेक्टर uh, में नेम, है, बड़ा uh, नाम है, नेम। uh, उन्होंने मुझे रिकगनाइज किया और मेरी चाय के और हमारे जो स्नैक्स हमने वहां पे लिए उनके पैसे उन्होंने खुद दिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका इतना ज्यादा प्यार फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब आया तो वहां पर भी जब वहां से फ्लाई कर रहे थे मुझे जबरदस्ती किसी ने कहा कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करें और जो तस्वीर आपने खास कर दिखाई वो जो आरजू अमेजिंग चीज जब, जब सेक्टर 17 में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे एक साइन लगा के एक इनक्लोज बनाया हुआ था सीनियर सिटीजन के लिए उससे भी आगे एक मजीद चीज मैंने शायद आपको तस्वीर भेजी थी कि उन्होंने नहीं ये तो ये अमृतसर की तस्वीर है हरमंदर साहब की जो तस्वीर थी आरजू वो ये थी कि एक सेक्टर सेवेंटीन के अंदर एक शाप थी जो कि डिवेलमेंटली डिसेबल लोग उसको चला रहे थे वहां काम कर रहे थे और मैं बिलखसूस मेरे प्रोफेशन में है और कितनी ही जिस तरह आपका फाउंटेन हाउस है लाहौर के अंदर तो वो शाप इंकरेज किया जाता है जो डिवेलपमेंटली डिसेबल मेंटली डिसेबल हो वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए ये मैंने चंडीगढ़ के अंदर देखा है जो कि अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो भी इतने फ्लरिश नहीं कर सके लेकिन वो वहां पे कर रहे हैं वेरी वेरी इंप्रेसिव इंप्रेसिव बल्कि मैंने मैंने जसदीप साहब जो मेरे साथ दोस्त थे उनको कहा कि यार हमें चंडीगढ़ में आप प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें आना जाना चाहिए बहुत दिल कर रहा था चंडीगढ़ को छोड़ते हुए बड़ा मुझे महसूस हो रहा था कि इतना साफ सुथरा शहर था दिल खुश हो गया उसको देख के और यूनियन टेरिटोरी कहा जाता है उसको क्योंकि हरियाणा जो कि कभी पंजाब का हिस्सा था अब वो एक अलग स्टेट है लेकिन हरियाणा का भी कैपिटल वही है और चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल वही है और मैं पे पे ये जो ये मुझे लॉयर मिले ये काफी हाउस के अंदर की तस्वीर है और ये लॉयर जो है ये मिले मुझे इन्होंने भी मुझे पहचान लिया और इन्होंने भी वहां हमने तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि तो मेरे लिए ये लीगल बरादरी को मिलना आ, मेरे लिए ये भी बड़ा एक एजाज की बात थी तो ये चंडीगढ़ का था अब मैं आगे अमृतसर की जो बात बताना चाहूंगा मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल एक था था कि कि क्योंकि आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि हम जो जट लोग हैं पंजाब से हमारे जो फोर फादर्स थे उनका रिलीजन सिखिज्म था हम सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए तो मेरे लिए वहां पे बड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट था और उसमें जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी जो के मेरे सिख जो भाई हैं दोस्त हैं वो बड़ा इसको सिग्निफिकेंट भी समझते हैं आरजू में चार दफा हरिमंदर साहब गया हूँ चारों दफा जब मैं हरिमंदर साहब के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो वहां पे अरदास का टाइम हुआ है जो जो के बड़ा स्पिरिचुअली समझा भी जाता है मेरे लिए वेरी स्पिरिचुअल मोमेंट था देखिये मैं आरजू अब बताना चाहूंगा स्पिरिचुअल मोमेंट क्या मेरी नजर में क्या होता है आरजू मैं मंदिरों में भी गया हूँ मैं चर्चों में भी गया हूँ गुरुद्वारों में भी गया हूँ मस्जिदों में भी गया हूं मैंने आपको बताया इस दफा भी मैं अः हजरत अः निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे भी गया जहां भी लोग जो है वो खुदा का भगवान का वाहे गुरु का नाम ले रहे होते हैं एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हैं तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होती है वहां पे सुकून होता है वहां पे यू फील इट यू फील इट वही मेरी feelings थी जब मैं के. चारों दफा गया मैं मैं दफा किया मैंने। तो वहाँ पे अमृतसर गया वहां पे मैं दिस वॉज माई ट्रिप वहां से वापस आए और वहां से जब फ्लाई करके हम जब खास कर जब हम जा रहे थे अबूजी तो उसमें मैं समझता हूं जो मैं बता नहीं सकता कि जब हम वहां से निकल रहे थे एयरपोर्ट से तो मुझे किसी जब जहाज में तो मुझे किसी ने कहा कि यात्रा मंगल में हो जो मेरे लिए हिंदी का लफज था तो मैंने जसदीप से पूछा इसका मतलब क्या तो उन्होंने कहा कि आपका सफर जो है आप खैरियत से गुजरे आपका तो दुआ किसी ने अब शाह मेरे लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा दिल जीत लिया कि यात्रा मंगल में

कमजोरी है एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स को और जो लोग अपने हाथों से इतनी खूबसूरत चीजें बनाते हैं मेरे लिए वो बड़ा मुझे खासकर वहां पे वो जसदीप मेरे साथ थे उन्होंने बताया कि ये गंगा जमुना का पानी भी लाया गया वहां पे आ, उसमें मंदिर के अंदर और फिर उसमें जो जितनी मूर्तियां वो भी भारत से बन के आई वो सारी चीजें जो उन्होंने बताई सात उसके वो खास किस्म के साइन क्योंकि सात खलीज की रियाते हैं वो बनाई गई जो एक वहाँ पे एक उसको कहा जाता है के आए बन, आए थी मैं उसको भूल रहा हूँ उसको ही भी तस्वीर मैंने खींची वहां पे और वहां मंदिर से भी मेरा हुआ जो मैं अगले दिन मैंने जाके वहां पे हमने एक मेरिकल गार्डन है उसको देखा और कई चीजों को दुबई जो उनका था वो जिन जिसके अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज हैं दुबई वर्ल्ड उसको हमने देखा वहां से ग्लोबल विलेज ग्लोबल विलेज, 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 विलेज वहां भी गया हम जो आ, खास अच्छा फिर उसमें मैं जा आ, 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 उसके आ, जो पवेलियन भारत के इंडिया का पवेलियन है वहां गए वहां भी मैंने तस्वीरें खरीदी खींची वहां पे और फिर पाकिस्तान के पवेलियन में भी गए हम तो हमने उस चीज को भी देखा अमेरिका के पवेलियन को भी देखा सबसे ज्यादा पवेलियन जो था वो पॉपुलर मैंने पूछा उनसे तो दोनों के थाईलैंड का सबसे ज्यादा पॉपुलर है अफगानिस्तान के अंदर पवेलियन पे गए वो तो सारी चीजें हम खैर देखी बहुत वंडरफुल जो मैं कंक्लूड आप जो ये करना ये चाहूंगा कि मैं पहले जब भी अमेरिका वापस आया तो मैं हमेशा आके अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करता था इस दफा जब वापस आया हूं तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा मैं बड़ा मायूस हुआ हूं अमेरिका को देख के आके और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि, कह कि वजह क्या होती है फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती है कि कौमे जब कौमों के अंदर एपिटाइट हो कौमों की खाइश हो के हमने तरक्की करनी है जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है अब वो मुझे वेस्ट है उसमें वो, वो नहीं आ रहा अब ये कहते हैं हम वर्क फ्रॉम होम अब यूरोप के अंदर तीन दिन का हफ्ता है कहते हैं तीन या चार दिन काम करेंगे बाकी छुट्टी करेंगे तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है ईरान मस्त परेशान है मैंने दुबई के अंदर यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी है ईरान मस्त जो है इसको क्योंकि तो चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी है और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते क्योंकि उनके प्लाट प्लॉट 247 चल रहे हैं अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट मैथ में फेल क्योंकि हमारे काले भाईजन यहां फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट मैथ हमने पढ़ना नहीं तो तरक्की किस तरह करेंगे इनके अच्छे स्कूलों में जाएं वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे इनके बच्चे रिव्यू वो इंकार कर चुके हैं पढ़ने से इस जिस स्टेट में बैठा हूं मेरलैंड वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रही कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी रन बाई इंडियन टेक्नोक्रेट मैं उनको डायस्पोरा मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है वो डायस्पोरा नहीं है दे आर टेक्नोक्रेट्स तो और दूसरा बल्कि मैं उसके साथ आज आपको यह भी बताना चाहूंगा भारत के जो इस वक्त मिनिस्टर हैं वो दो कंट्रीज के दौरे पर जा रहे हैं कोरिया कोरिया साउथ जापान में एक जा, एक दो एक तो एक लाख इंडियन इसराइल काम करने जा रहे हैं और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरन वर्कर की जरूरत है वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पर और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे और वो जाके वहां पर

तो वहां पर रोशनी की जरूरत है ऑक्सीजन की जरूरत है पावर की जरूरत है रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे आप से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और में बच्चों की सर प्राइम मिनिस्टर भी तो आगे हमारे यहाँ नए और मोदी जी <laughs> ने मुबारकबाद भी दे दी है <laughs> मुबारकबाद भी दी ना क्या करना है, क्या जरूरत अभी मुबारकबाद भी दी है लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं तुरा दिखा जाए लेकिन ये देखे ना आप आई से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूँ आज कलकत्ता में मोदी जी ने अफ्त किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का कलकत्ता के अंदर बिल्कुल उसकी खास चीजें कुछ आपके कौन को बताना चाहूंगा जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं कभी कहते हैं रा काजेंट है कभी कुछ कहते हैं लेकिन ये खबरें हैं ये खबरें गूगल करके देख लो मैं खुद नहीं बना रहा हूँ भाई आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप वो अंदर घुस के मार रहे हो उसके उसके पीछे नहीं जाएंगे आप गाजा में जाके जिहाद कर दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और साजिद डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी जहां पर साजिद ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स आप सब लोगों के साथ शेयर की अपने भारत के दौरे का जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर किया और अपने विचार हमारे प्यारे देश भारत और भारतीयों के बारे में अपने विचार शेयर किए तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आए होगी जहां पे साजिद आजा साहब ने भारत को कई मामलों में तो अमेरिका से भी आगे बताया इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत